गाइस वेलकम बैक टू द पीसीआईटी टेक्निकल ज्ञान चैनल। मैं सपना पांडे आपकी एजुकेटर आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेके आई हूँ। जी हाँ गाइस, ये सेशन है ट्रिपल सी के पेपर से रिलेटेड। ट्रिपल सी, डीसीए या एडीसीए या पीजीडीसीए, आप किसी भी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें 30 एमसीक्यू आपके लिए रखा गया है, उसमें आपको आंसर भी दिया जाएगा। लेकिन मैं आशा करती हूँ कि आप लोग आंसर बताने से पहले कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात गाइज आपको ध्यान से समझनी है कि वीडियो को प्लीज बीच से स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। देख पा रहे हैं आपके सामने क्वेश्चन आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें से तीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप इन तीनों क्वेश्चन का अटेम्प्ट जो है कमेंट सेक्शन में कीजिए जब तक मैं ये क्वेश्चन के आंसर दे रही हूँ आपको। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में सामान्यतया मार्जिन क्या होता है। कहने का मतलब ये है कि जो मार्जिन होती है, जो डॉक्यूमेंट पेज का ब्लैंक एरिया होता है, उसकी मार्जिन डिफॉल्ट कितनी होती है। तो चलिए देखते हैं हम इसके आंसर। इसका आंसर होता है गाइज 1, यानी कि जो डिफॉल्ट मार्जिन होती है डॉक्यूमेंट का वो 1 होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में पहले से फॉन्ट का आकार कितना होता है। गाइज मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि लिब्रे ऑफिस आपके पेपर पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे आते भी हैं। और डिफॉल्ट वाली चीजें शॉर्टकट की या कौन सा मेनू या कौन सा ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं। तो प्लीज इस पे अटेंशन कीजिए और इसका अटेम्प्ट आपको करना है। क्वेश्चन का हर एक क्वेश्चन का अटेम्प्ट आपको कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं कि लिब्रे ऑफिस में जो फॉन्ट साइज होती है हमारी, वो डिफॉल्ट क्या होती है। तो वो 12 होती है गाइस। लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस, सबका फॉन्ट जो साइज होता है डिफॉल्ट वो अलग अलग होता है। तो अभी हम राइटर की बात कर रहे हैं, तो राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 12 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, लिब्रे ऑफिस राइटर के कौन से मेनू में मेल मर्ज या लेटर विजार्ड ऑप्शन पाया जाता है। गाइज ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने बताया भी कि ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं इसके आंसर। आई होप आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दिया होगा। चलते हैं हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। टूल्स, जी हाँ गाइस, टूल्स मेनू में आपके मेल मर्ज और लेटर विजार्ड ऑप्शन पाया जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गाइस आपकी स्क्रीन पर 3 क्वेश्चन फिर से लग चुके हैं, जिसमें से 4th क्वेश्चन आपसे कह रहा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में बने फाइल को क्या कहते हैं। अब आप इसका अटेम्प्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में और मैं आंसर आपको बताने जा रही हूँ कि इसका आंसर है डॉक्यूमेंट। जी हाँ गाइस, आप अगर लिब्रे ऑफिस राइटर के हेल्प से कोई भी फाइल बनाते हैं तो डॉक्यूमेंट कहलाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, लिब्रे ऑफिस राइटर में फुटनोट कहाँ पर लगता है। तो वो आपके सामने ऑप्शन है, पेज के नीचे, पेज के ऊपर, डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे, डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर। आपको बताना है फुटनोट कहाँ लगता है। गाइस फुटनोट और इंड नोट में डिफरेंस होता है। फुटनोट करंट पेज के लास्ट में लगता है और इंड नोट अगर आपने 4-5 पेज ले रखा है तो वो 4-5 पेज को छोड़कर एक एक्स्ट्रा पेज लेकर उसमें ये अप्लाई होता है। तो आप समझ गए होंगे कि फुटनोट कहाँ लगता है। चलते हैं इसका आंसर देखते हैं, पेज के नीचे, यानी कि करंट पेज के बॉटम पर ये फुटनोट अप्लाई होता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसे कमांड किस मेनू में पाए जाते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, इस पे स्टार मार्क कर लेना। ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है ट्रिपल सी के। तो इसका आंसर आप देखते हैं कौन सा आंसर आपके चारों में से है। तो फॉर्मेट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन फॉर्मेट मेनू में पाया जाता है। आई होप गाइज इसका आपने कमेंट सेक्शन में आंसर कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर अगेन 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, जिनमें से आपका 7th क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में
फंक्शन इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। गाइज अब आपका कैल्क स्टार्ट हो चुका है, अभी तक आपने राइटर के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ये है कैल्क क्वेश्चन। लेकिन बीच में मैं कुछ और बातें बताना चाहती हूँ गाइज, अगर आपको ये सेशन एमसीक्यू का सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए कि आपको एमसीक्यू के फॉर्म में ही वीडियो चाहिए या आपके लिए सेपरेट वीडियो एक जो डिस्क्राइब करके हम पढ़ाते वो भी बना दिया करें। आपके कमेंट से हमें पता लगेगा कि आगे हमें किस तरह का वीडियो अपलोड करना है। तो चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं कि फंक्शन इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। पहला ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F3, दूसरा ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F4, तीसरा ऑप्शन है अल्ट प्लस F3, चौथा है कंट्रोल प्लस F2। तो चलते हैं गाइस देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है कंट्रोल प्लस F2, यानी कि जब आप इस शॉर्टकट की का यूज करेंगे तो आपके कैल्क में फंक्शन इंसर्ट होंगे। गाइस मैं एक चीज और बता दूं कि कैल्क में फंक्शन को फॉर्मूले के नाम से भी जाना जाता है, तो आप ये चीज नोट करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 था आपसे, कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी नंबर को परसेंटेज फॉर्मेट में बदलने के लिए किस कुंजी का यूज किया जाता है। मतलब अगर आपको कोई भी नंबर है उसको परसेंटेज फॉर्मेट में चेंज करना है तो आप किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। आपके सामने पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1, बी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5, सी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4, डी है आपके सामने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3। आई होप आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दिया होगा। चलते हैं हम देखते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5। आप जब इसको प्रेस करते हैं तो आपका नंबर परसेंटेज देखते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में इक्वल 10 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 4 इंटू 8 का क्या मान आएगा। गाइज एक चीज में बता दूं, जब आप कैल्क का यूज करते हो दो तीन चीज आप अप्लाई करते हो। सबसे पहले आपका हर जो फॉर्मूला लिख रहे हो उसके सामने इक्वल होना चाहिए। दूसरी पॉइंट ये है कि आपका फॉर्मूला एकदम सही होना चाहिए। तीसरा, अगर आप फॉर्मूला नहीं भी अप्लाई कर रहे तब भी आप इक्वल के साथ डिजिट लिख दीजिए, प्लस माइनस आप डाल दीजिए और एंटर प्रेस करते ही आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो हम देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। आपका पहला ऑप्शन है 400, दूसरा ऑप्शन है 6.25, तीसरा है 7 और चौथा है 500। चलते हैं देखते हैं इसमें से आंसर क्या है आपका। गाइज आपका आंसर है 400। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आपको ये एमसीक्यू फॉर्मेट समझ में आ रहा है, क्या आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ रहा है। चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट सेल में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट आल्सो, आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्टार मार्क इस पर भी कर लीजिएगा क्योंकि कई बार ये पूछा जा चुका है। अगर आपको लास्ट सेल में जाना है तो आप किस की का यूज करोगे। गाइज देखते हैं, पहला ऑप्शन है एंड, दूसरा है पेज डाउन, तीसरा है कंट्रोल प्लस एंड, चौथा है कंट्रोल प्लस पेज डाउन। हम देखते हैं इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस एंड। कंट्रोल प्लस एंड आप करेंगे तो आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो लास्ट सेल है उस पर आप पहुंच जाएंगे। 11th क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला एरर होने पर कौन सा साइन दिखता है। गाइज इस पर भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके सामने है डॉलर का साइन, दूसरा है एस्ट्रिक, तीसरा है स्लैश, फोर्थ है हैशटैग। तो गाइज देखते हैं अगर हम कैल का यूज कर रहे हैं और उसमें फॉर्मूला एरर आता है तो हमारे सामने कौन सा साइन प्रदर्शित होता है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 4th। जी हाँ गाइज, अगर आपने फॉर्मूला गलत किया है, टाइप एंटर किया है, तो आपके सामने हैशटैग आ जाता है। 12th नंबर आप क्वेश्चन देखते हैं, कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। गाइज आपके सामने ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F3, बी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F2, सी है कंट्रोल प्लस F3, डी है अल्ट प्लस F3। चलते हैं हम इसका देखते हैं आंसर। आपके सामने आंसर है कंट्रोल प्लस F2। आई होप गाइज ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और मैं ये एक्सपेक्ट भी कर रही हूँ तो कि आप सारे क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर रहे होंगे क्योंकि आई नो कि पेपर सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे गाइज, देखेंगे क्वेश्चन आगे क्या है। तो 13 नंबर क्वेश्चन आपके पेज पे आ गया है, आपकी स्क्रीन पर आ गया है। देखते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज किए हुए सेल को तोड़ने के लिए उस सेल का चयन करके और डॉट 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 बटन पर क्लिक करना होगा। यानी कि आपने मर्ज किया है जो सेल, उस सेल को आपको तोड़ना है तो आप किस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन ए सेंटर, ऑप्शन बी स्प्लिट है गाइज, स्प्लिट SPLIT, सी है स्प्लिट एंड मर्ज, डी है मर्ज और सेंटर। चलते देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है मर्ज एंड
गाइस आपके साथ क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस कैल्क में COS, एवन, फैक, ईएक्सपी किस कैटेगरी के फंक्शन है। आपके सामने ऑप्शन है ए डेटा, बी मैथ एंड स्ट्रिंग, सी मैथमेटिकल, डी स्ट्रिंग। आपके आंसर है गाइस मैथमेटिकल। चलते हैं 15 नंबर आप क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस तरह का प्रोग्राम है। आपके सामने ऑप्शन है स्प्रेडशीट, बी वर्ड प्रोसेसिंग, सी प्रेजेंटेशन, डी इनमें से कोई नहीं। गाइज अब आपका इम्प्रेस का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। अभी तक आपने कैल्क का किया है, अब ये है इम्प्रेस का। तो अगर आप राइटर का यूज करते हो तो डॉक्यूमेंट कहलाता है, आप अगर स्प्रेडशीट का यूज करते हो या कैल्क का यूज करते हो तो स्प्रेडशीट कहलाता है। वैसे ही अगर आप इम्प्रेस का आप यूज करके कोई भी फाइल बनाते हैं तो वो आपका कहलाता है प्रेजेंटेशन। तो इसमें आपका राइट आंसर है गाइज सी प्रेजेंटेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइज लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बने प्रेजेंटेशन का बाय डिफॉल्ट क्या बनता है। गाइज आपके सामने चार ऑप्शन है जिनमें से आपका सही ऑप्शन है अनटाइटल्ड वन। जी हाँ गाइज, अगर आपने लिब्रे ऑफिस में कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया हो, वो चाहे किसी भी मेंबर पे बनाया हो, आपका इम्प्रेस हो, कैल्क हो या राइटर हो, वो अनटाइटल्ड वन के नाम से ही रहता है। 17 नंबर आप क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में निम्न में से किस फाइल का प्रारूप नहीं लगा सकते। आप इसमें से देख सकते हैं गाइज, आपके सामने ऑप्शन है जिसमें से आपका सही है HTML। क्वेश्चन नंबर 18 है गाइज लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के प्रस्तुतिकरण में प्रतिरूप स्लाइड को जोड़ने के लिए शॉर्टकट की होती है। इसके क्वेश्चन का मतलब है गाइज, अगर आपको नई स्लाइड लेनी है तो उसके लिए आपके आंसर्स क्या होने चाहिए। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कंट्रोल प्लस यम आपका है राइट आंसर इन चारों में से। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे गाइज, देखते हैं 19th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। 19th क्वेश्चन आपके सामने है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सेव की हुई फाइल कौन से एक्सटेंशन के साथ सेव होती है। आपके सामने चार ऑप्शन है .ist, b.odt, c.ods, d.odp। आपका राइट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर डी .odp, जिसका फुल फॉर्म है ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। ये है इम्प्रेस की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है गाइज आपसे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर हैंडआउट कमांड किस मेनू में पाए जाते हैं। आपके सामने ऑप्शन ए है स्टाइल, बी है फॉर्मेट, सी है व्यू और डी है इंसर्ट। देखते हैं इसका आंसर क्या है, व्यू। जी हाँ गाइज, आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हम कितने तरीके से व्यू कर सकते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन जो आपका दिया है ये व्यू का है। मास्टर हैंडआउट कमांड व्यू मेनू में पाया जाता है। 21 क्वेश्चन है गाइज आपके सामने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम साइज कितना होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। ऑप्शन ए है 5%, ऑप्शन बी है 15%, ऑप्शन सी है 10%, ऑप्शन डी है 20%। तो आप देखते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम साइज होता है 5% और मैक्सिमम होता है 3000%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। सभी वर्कशीट के फॉर्मूलाज को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मैनुपुलेट वैल्यूज, गाइज ये कैल्क का क्वेश्चन है। नंबर बी मैनुपुलेट लेबल्स, ऑप्शन सी रिटर्न ऑफ फार्मूला रिजल्ट, ऑप्शन डी यूज द एडिशनल ऑपरेटर। चलते हैं इसका राइट आंसर देखते हैं क्या है। तो ये है सी रिटर्न ऑफ फार्मूला रिजल्ट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं गाइज, हमारे स्क्रीन पर फिर से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, 3 नहीं हालांकि 4 है। चलते हैं देखते हैं, ये आपका कुछ इंटरनेट से आ गया है। अभी आपने राइटर का कवर किया, कैल्क का कवर किया, इम्प्रेस का कवर किया, अब ये है आपका इंटरनेट का क्वेश्चन। तो आप ध्यान से देखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 23 है मैक एड्रेस साइज कितना होता है। ऑप्शन है 12 डिजिट, बी 6 बाइट, 48 बिट्स, ये आपका सी ऑप्शन है, डी है आल। मतलब क्या ये आल ऑफ अबव सारे सही हैं। तो चलते हैं हम देखते हैं आंसर, इसका है आल, मतलब मैक एड्रेस ये सारा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, यूजर नेम तथा डोमेन नेम को अलग किया जाता है। गाइज ये है ईमेल का क्वेश्चन, आप आउटलुक एक्सप्रेस का क्वेश्चन है ये, तो आप अच्छे से इसको अटेम्प्ट करेंगे। यूजर नेम तथा डोमेन नेम को किस साइन द्वारा हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। ऑप्शन ए है @, ऑप्शन बी है $, ऑप्शन सी है एंड या ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। अब जहां तक आप सभी को पता होगा ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है कि जब आप अपना ईमेल एड्रेस लिखते हैं, ईमेल आईडी लिखते हैं, तो उसमें यूजर नेम और डोमेन नेम होता है, जहां आपका @ क्या काम करता है, दोनों को अलग करने का काम करता है। 25, तो इसका आंसर हुआ गाइस ए ऑप्शन। चलते हैं 25 देखते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका उदाहरण है।
ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी कंपाइलर, ऑप्शन सी ब्राउजर या ऑप्शन डी आईपी एड्रेस। आई होप आपको ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये है आपका ऑप्शन सी, ये है वेब ब्राउजर। 26 देखते हैं। 219.16.223.57 किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए डोमेन नेम, ऑप्शन बी मोबाइल नंबर, ऑप्शन सी आईपी एड्रेस या ऑप्शन डी नन। गाइज ये है आपका आईपी का एड्रेस जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। ये होता है आईपी एड्रेस जो कि इंटरनेट के पते के नाम से भी जाना जाता है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 27 क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ गया है, हम देखेंगे। आधुनिक कंप्यूटर बहुत विश्वसनीय होते हैं परंतु वे डॉट 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 नहीं होते। ऑप्शन ए है अचूक, बी है तीव्र, सी है शक्तिशाली, डी है अल्पमोल। आप इसका राइट आंसर देखेंगे अल्पमोल। जी हाँ गाइस, जो हमारा आधुनिक कंप्यूटर है वो अल्पमोल नहीं होता है। 28 HTTPS की पोर्ट संख्या क्या होती है? ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे डबल स्टार मार्क आप लगाइएगा। ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 110, ऑप्शन सी है 143, ऑप्शन डी है 443। चलते हैं राइट आंसर देखते हैं। 443 यानी कि ये जो हमारा HTTP होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, विथ सिक्योरिटी होता है, उसकी पोर्ट संख्या होती है 443। 29 देखते हैं गाइस, किसी कंप्यूटर के हार्डवेयर के पते को किस रूप में जाना जाता है? अभी हमने आपसे बताया है, आई होप आप इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। अभी एक दो क्वेश्चन पहले ये क्वेश्चन हो चुका है। ऑप्शन ए है आईपी एड्रेस, ऑप्शन बी है कंप्यूटर एड्रेस, ऑप्शन सी है मैक एड्रेस, ऑप्शन डी है NIC एड्रेस। चलते हैं राइट आंसर देखते हैं, मैक एड्रेस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। नेटिक्वेट क्या है? गाइज आपके सामने ऑप्शन है एक नेटवर्क, बी है इंटरनेट शिष्टाचार, सी है प्रोग्राम और डी है इनमें से कोई नहीं। चलते हैं गाइज इसका आंसर देखते हैं। हमारा आंसर है ऑप्शन बी इंटरनेट शिष्टाचार। तो गाइज ये था हमारा टॉप 30 MCQ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आपने ये सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए होंगे। तो गाइज चलते चलते हम इतना ही कहेंगे कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज सेशन को आप लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि जिनकी भी ये नीड है, जिनका भी पेपर है, उन सभी को हेल्प मिल सके। पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देंगे, ताकि रोज आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइस।